बच्चों अपन ये कल का सवाल बता रहे थे कि बड़ी हेलो आप कौन कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं आर्यन क्लास में जा रही हूँ। आप एक तो बगैर मेरी इजाजत के क्लास में आए, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ है? ये क्लास है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है कि मन चाहे मुँह उठाए चले जाओगे। यहाँ क्लास में आना है, पढ़ना है तो डिसिप्लिन के साथ में रहना पड़ेगा। सर तुम इतना ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारे मालूम है कौन है के को छोरा है? ये तो नहीं पता कि तू किसका लड़का है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि तू बदतमीज और अनुशासनहीन लड़का है। और तेरे संस्कार क्या है और तेरे घर के संस्कार क्या है ये तेरे चेहरे से और तेरे आव-भाव से पता चलता है। तुम हमारा घर का संस्कार पे मत जाओ, तुम हमारे बाप के जानो है। बदतमीज लड़के टीचर से ऐसे बात करते है, निकल मेरी क्लास से, गेट आउट। सर यहाँ कौन रोकेगा कौन नहीं रोकेगा बताओ तुम्हारे अभी। सर क्यों झगड़ रहे थे आप उससे? कितना बदतमीज लड़का है, इतने सारी हदें पार कर दी अनुशासन की। सर वो सब तो ठीक है, पर आपको उसके पापा के बैकग्राउंड के बारे में पता है? भारत माता बाल विद्या मंदिर जत्ता खेड़ा, नाम तो अच्छो यार, फिर दिक्कत कहीं है यार। सर आपने अनेक तकलीफ क्यों की? आप मुझे बोल देते, फोन लगा देते, मैं घर आ जाता। कहीं बता यार सर, तकलीफ दोगा तो आनो तो पड़ेगा ही सही। क्यों आर्यन कहाँ का सर था वही? पापा ये सर है वही जिनने तुम्हारी हमारी बेइज्जती करी। हसो सर हमारी तरफ से या हमारे स्कूल की तरफ से कोई गलती हुई है जो आपको यहाँ स्कूल में आना पड़ा? किसी टीचर ने कुछ बोला था क्या? गलती नहीं है सर तुम्हारी स्कूल की, गलतो मैंने छोरा के अनुशासन सीखने सारो तुम्हारी स्कूल में छोड़ियो है। आज 10,000 रूपए 12,000 रूपए खर्च करी रही हो, कल लेने का इशू करी रही है कि छोरो अनुशासन सीखेगा, और तुम ही अनुशासनहीन करी रहे हो। आचरण हीन है छोरो, आचरणहीन छोरो है मारो छोरो आचरणहीन है तो तुम अगर करने कहीं आयो, वो सीखने कहीं आयो, तुम सिखाओ कहीं होके। वही बात सिखाई जानी पड़ी आचरणहीन की एक अलावा और सिखाने को दूसरा तरीको नहीं है, तुम अगर कहीं कमी है जो तुम सिखाई नहीं सकता हो फिर बताओ। मारे क्या जानते हो आप मेरे स्कूल के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में? आप मुझे अनुशासन सिखाओगे? मैं आप बच्चों का अनुशासन सिखाता हूँ। आज पिछले 25 सालों से मैंने कड़ी मेहनत करी है तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। आज ये स्कूल ने अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य सुधारा है, जो बिल्कुल गोबर बन के आया था उसको मैंने हीरा बनाया है बिल्कुल तराश के। आपको पता है सर ये एक स्कूल नहीं है, मेरे लिए एक मंदिर है, और आप मुझे नहीं मेरे मंदिर को गाली दे रहे हो, समझ गए आप? मेरी स्कूल से 2004 से 2023 तक मेरे स्कूल द्वारा पढ़ाए गए बच्चे नवोदय में चयनित होकर आज कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई शिक्षक है, और आप मेरे स्कूल को गलत बता रहे हो। और आज आप मुझे और मेरे स्कूल को गलत बता रहे हो, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? सर तुम्हारी स्कूल में इतनी बड़ी शिक्षा है और इतना बड़ा अनुशासन है तो मारो छोरो बिगड़ क्यों रही है? मारो छोरो है नहीं सर, मैंने रावण लेके छोड़ियो है तुम्हारा कने, मगर राम चाह एका लेने तुम कहीं भी करो, कहीं भी करो सर, एका लेने एको पूरे मास भी लौटना पड़े नहीं तुम्हारे तो चलेगा, मगर हड्डा जुम्मे लगाई दीजो बस। हाँ सर 12 साल का छोरा हूं बिगड़ रहा है, वो अद्दो ठोकी रहा, अद्दो गुटका खोसी रहा है, गलत गलत संगति में पड़ी रहा है सर, मारे तो डर लगी रही है तुम्हारे, कहीं बताऊं हूँ एक लेना आओ था तुम्हारा कने कि असो तो नहीं है कि स्कूल की तरफ से मारो छोरो बिगड़ रहे है, पर आज मगर सूझ पड़ गई है कि मारो छोरो मारी तरफ से बिगड़ रहे है, मारी कमी है, मारा घरवाला की कमी है कि जो मारो छोरो सुधर नहीं पा रही है। यह चीज मारे तुम्हारे से पहला मालूम पड़ जाती नहीं तो सर मारो छोरो भी नहीं बिगड़तो और आज मारो छोरो अनुशासन में होतो। अच्छा तो जी सर नमस्कार, मैं गांव का सरपंच के नाते तुम्हारे एक बात की रहो सर, मतलब बंदो दिल को साफ हो और एक बहुत गहरी बात की हो। हम भी क्या करें, ये जो छड़ी है ना ये हमसे शासन ने और अनुशासन के कारण छुड़ा ली है, यदि ये वास्तविक में वापस हमें मिल जाए तो निश्चित ही गांव स्कूल के बच्चे और पूरे देश का सुधार हो जाए। हाँ वो तो हो जाए, पर दिल के बाद आदमी बहुत गहराई से पालक हमें भी मिल जाए तो वाकई में हमारे बच्चों का और स्कूल का बहुत सुधर जाए। सही बात है, वास्तविक और हर पालक ऐसा हो जाए उनके जैसा, जैसे भाई जैसा पालक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तभी जाके सुधार हो सकता है। सही बात, बिल्कुल सही, सुधार बहुत मुश्किल है बंदे की बात में। मैं सोच उस समय आए थे, मुझे लगता है इनके घर से सुधार नहीं हो रहा, लेकिन अब वास्तविकता में बहुत अच्छा। आपको पहले लगा था कि यार आदमी झगड़ा करेगा बहुत ज्यादा है,
हर बालक हमारे यहाँ ऐसे आते हैं। पर दिल की बात कह गए, बहुत अच्छी बात कह गया है, बात मेरे माइंड में बहुत अच्छी बात कह गया, बहुत अच्छी बात। ऐसे बालक हरे होना तो वास्तविकता बहुत जल्दी सुधार है। हाँ सही बात।